Hello everyone, in this video we will see about hypopar and corneal ulcer. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि corneal ulcer क्या होता है. तो corneal ulcer is a abrasion plus keratitis, यानी कि इसमें cornea का inflammation भी होता है और abrasion यानी कि cornea में थोड़ा सा scar जैसा भी होता है. Discontinuity in corneal epithelium with the cellular infiltration and necrosis of underlying tissue. इसमें कॉर्निया का जो आउटर साइड पे जो एपिथीलियम होता है उसकी थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है एंड उसके नीचे की जो टिश्यू होती है उसमें नेक्रोसिस भी होता है. यही कॉर्नियल अल्सर की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं हाइपोबायन कॉर्नियल अल्सर के बारे में. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपोबायन कॉर्नियल अल्सर में कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं. तो हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर एंड कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपायन दोनों अलग अलग है. कॉर्नियल अल्सर विथ हाइपोपायन अगर हमको बोला गया है तो वो स्पेसिफिकल स्टेफालोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस, मोरेक्जेला ये सब ऑर्गेनिजम्स, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं. अगर ये अल्सर स्पेसिफिकली न्यूमोकोकस से हुआ है तो ही उसको हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर बोलते हैं. और अगर ये न्यूमोकोकस से हुआ है तो उसका दूसरा नाम भी है अल्कस सर्पिंस. ठीक है, सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं. तो कि क्रोनिक डेक्रायोसिस्टाइटिस एंड प्यूरुलेंट केराटाइटिस. डेक्रायोसिस्टाइटिस मतलब कि लेक्राइमल सेक का इन्फ्लामेशन, लेक्राइमल सेक का इन्फेक्शन. एंड प्यूरुलेंट केराटाइटिस मतलब कि कॉर्निया का इन्फेक्शन हुआ है जिसमें पस प्रेजेंट है. ये सब ऐसे कुछ कोस हो सकते हैं इन्फेक्शन के. अब हमारा जो हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर है उसमें हाइपोपायन के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सबसे पहले है विरुलेंस ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म. जिस ऑर्गेनिज्म से हमें अल्सर हुआ है वो कितना विरुलेंस है वो, और उसके अगेंस्ट में हमारी जो टिश्यू है वो कितना रेजिस्ट करती है वो, ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हाइपोपायन के डेवलपमेंट के लिए. अब ये हाइपोपायन जो है वो मोर कॉमनली किन किन लोगों में देखने को मिलता है. तो कि जो लोग अल्कोहलिक है, ओल्ड डेबिलिटेटेड पर्सन है, यानी कि जो पर्सन पहले से ही कोई ना कोई वजह से वीक है, इन लोगों में देखने को मिलता है हाइपोपायन का डेवलपमेंट. अब हम देखते हैं कि हाइपोपायन का जो डेवलपमेंट होता है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है. तो कॉर्नियल अल्सर तो हुआ ही है हमारा. कॉर्नियल अल्सर के साथ साथ अगर आयरिटिस यानी कि आयरिस का भी इन्फ्लामेशन हो गया है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से तो क्या होता है, सीवियर आयरिटिस कॉजेस आउटपोरिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट्स. आयरिस का अगर सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया तो ल्यूकोसाइट्स वहाँ से लीक हो गए, एंटीरियर चैम्बर में आ जाएंगे, एंटीरियर चैम्बर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाएंगे. और ये जो एंटीरियर चैम्बर में ल्यूकोसाइट डिपॉजिट हुए हैं ना उसी को ही हम हाइपोपायन बोलते हैं. क्या होता है देखिए, ये हमारी आई है, आप मान लीजिए ये हमारी आई है, तो ये है आयरिस. और अगर इस आयरिस का सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया तो यहाँ पीछे से ल्यूकोसाइट सब इधर आ जाएंगे इंटीरियर चैम्बर में और यहाँ बॉटम में अक्यूमुलेट हो जाएंगे. और ये जो ल्यूकोसाइट यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए ना उसी को ही हाइपोपायन बोलते हैं. ये जो हाइपोपायन डेवलप हुआ है ना वो स्टराइल होता है बिकॉज ल्यूकोसाइट केम आउट ड्यू टू टॉक्सिन्स. ल्यूकोसाइट ही वहाँ पे अक्यूमुलेट हुए हैं, बैक्टीरिया नहीं आए हैं. देयर इज नो एक्चुअल इन्वेजन बाय द बैक्टीरिया. वहाँ पे सिर्फ ल्यूकोसाइट ही है, बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए हाइपोपायन होता है वो स्टराइल होता है. अगर हम अल्सर को ट्रीट कर देंगे तो हाइपोपायन विल रिजॉल्व, हाइपोपायन अपने आप ठीक हो जाएगा. अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले है सिम्टम्स. सिम्टम्स यानी कि पेशेंट डॉक्टर के पास आके क्या बताएगा. तो वो बताएगा कि उसको पेन हो रहा है, आँख में कोई फॉरेन बॉडी हो ऐसा लग रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आँख में से पानी निकल रहा है, वॉटरिंग फ्रॉम द आइज, फोटोफोबिया यानी कि वो बाहर लाइट में ज़्यादा नहीं रह पा रहा है, ब्लरिंग ऑफ द विजन्स, रेडनेस ऑफ द आइज, ये सब उसके सिम्टम्स होंगे. अब साइंस क्या क्या होंगे. तो अगर हम उसकी आँख में देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा. तो कि सबसे पहले है स्वेलिंग ऑफ द लीड. लीड उसकी स्वेलिंग हो गई होगी, ब्लिफरोस्पाजम्स होता होगा, कंजक्टिवा में कीमोसिस हो गया होगा, कंजक्टिवल हाइपरएमिया देखने को मिलेगा. और अगर हम इसकी कॉर्नियल अल्सर जो है उस अल्सर को देखेंगे तो वो येल्लो डिस्क शेप का होगा, ओवल या इरेग्युलर हो सकता है.
अल्सर की मार्जिन से स्वोलो हुई होगी। अल्सर का जो फ्लोर है उसमें नेक्रोटिक मटेरियल हमें देखने को मिलेगा एंड अल्सर एरिया के अराउंड में स्ट्रोमल इडिमा प्रेजेंट होगा। अब एंट्रियर चेंबर में हम देखेंगे, एंट्रियर चेंबर देखेंगे तो उसमें हमें पस देखने को मिलेगा। पस क्या है, वो जो ल्यूकोसाइट आउटपावर हुए थे ना, वही वो हाइपोपायन होगा। आयरिस स्लाइटली मडी होगी कलर में। प्यूपिल में भी स्मॉल, प्यूपिल स्मॉल हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इंट्राओक्युलर प्रेशर, इंट्राओक्युलर प्रेशर कभी कभी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो वो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हमें इन्फ्लामेटरी ग्लूकोमा हो सकता है। अब हम ये जो अल्कस सर्पेंस है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। ये जो अल्सर होगा वो ग्रे वाइट कलर का होगा या तो येलो डिस्क शेप का होगा। टेंडेंसी टू क्रीप ओवर द कॉर्निया इन सर्पिंगस फैशन। ये जो अल्सर होता है ना वो कॉर्निया के जहाँ पे अल्सर हुआ है उसकी आजू बाजू के टिश्यू में जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। वायोलेट आयरिडोसाइक्लाइटिस हो सकता है। हाइपोपायन इंक्रीज इन साइज वेरी रैपिडली एंड ऑफन रिजल्ट इन सेकेंडरी ग्लूकोमा। ये जो हाइपोपायन डेवलप हुआ था ना, ल्यूकोसाइट अक्यूमुलेट हो गए थे वो वाला, उसकी साइज बहुत जल्दी से बढ़ती है और उसके कारण हमें सेकेंडरी ग्लूकोमा भी हो सकता है। ये जो अल्सर होते हैं वो अल्सर स्प्रेड्स रैपिडली एंड हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी फॉर अर्ली परफोरेशन। ये अल्सर बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से फैलते हैं और इसकी परफोरेशन की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब इस अल्सर का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो अदर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का जो मैनेजमेंट है उसके जैसे ही करना है। उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं कि जिसमें सब बैक्टीरियल अल्सर, सब अल्सर का कॉमन मैनेजमेंट होगा। उसके अलावा अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको ट्रीट करना है। एज ए एग्जाम्पल, अगर इसमें सेकेंडरी ग्लूकोमा डेवलप हो गया तो उसको हमें 0.5% इमोरल मेलेट एंड ओरल एसिटाजोलामाइड देकर ट्रीट करना है। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन जो था उसको ट्रीट करना है। एज अ एग्जाम्पल, अगर इन्फेक्शन का सोर्स क्रोनिक डिक्रायोसिस्टाइटिस था, लेक्राइमल सेक का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन था उसका कोस, तो उसे ट्रीट करना है, ट्रीटेड बाय डिक्रायोसिस्टेक्टोमी। थैंक यू।